Hello friends, welcome to Avipedia, and this is our next part of our series on environment for CAPF assistant commandant exam. So let's start our today's discussion. In today's lecture, we're going to discuss about Earth Summits and its outcomes. So let's start. Earth Summit. The official name of Earth Summit is United Nations Conference on Environment and Development. ये बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई थी कब ब्राजील के अंदर 1992 के अंदर ठीक है इसका जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने लिए थे ब्रेटलैंड रिपोर्ट से 1987 से और इस समिट के अंदर हमने पहली बार एक कॉन्सेप्ट दिया था किसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ठीक है नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिफरेंट आउटकम्स ऑफ अर्थ समिट 1992 तो जो पहला आउटकम था अर्थ समिट 1992 का वो था एजेंडा 21 ठीक है और इसका मोटिव था to maintain balance between economy and environment. In short, Agenda 21 कह रहा है कि जो आने वाली हमारी 21st century है, उसके अंदर हम sustainable development along with our economic development कैसे लेके आएं? Next is United. जो अगला outcome था वो था United Nations framework on climate change. इसका directly एक motive था, जो कि इसका goal है, बहुत important, वो है to fight climate change. Next है United Nations convention on बायोडाइवर्सिटी अगेन आपको नाम से ही पता चल गया होगा इसका जो हमारा मोटिव है वो है टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन डेजर्टिफिकेशन देखिए जैसे जैसे 21st सेंचुरी के अंदर क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे डेजर्टिफिकेशन जो डेजर्ट्स हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं और इसका डायरेक्टली गोल था टू कंटेन दैट डेजर्टिफिकेशन ओके तो दीज वर द फोर आउटकम्स ऑफ रियो समिट 1992 जिसको हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं तो आपको पहले ये चारों चीज क्लियर होनी चाहिए अब हम मूव करते हैं और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज ठीक है UNFCCC तो व्हाट इज UNFCCC तो यू शुड नो दैट इट इज एन इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ट्रीटी व्हिच इज एम्ड टू कंटेन द क्लाइमेट चेंज इन 21st सेंचुरी ओके ये ओपन की गई थी सिग्नेचर के लिए 1992 में और ये इंप्लीमेंट कब हुई ये कम इनटू फोर्स हुई 1994 में ठीक है इसका जो सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है कहां का UNFCCC का वो है बोन जो कि जर्मनी के अंदर है ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये कन्वेंशन है ये लीगली नॉन बाइंडिंग है ओके इट इज ए लीगली नॉन बाइंडिंग कन्वेंशन ठीक है और ये काम कैसे करते हैं तो हर साल कन्वेंशन ऑफ पार्टीज होती है जितने भी मेंबर्स हैं UNFCCC के वो एक मिलते हैं जिसको COP बोलते हैं ठीक है और उनके अंदर डिसीजन लिए जाते हैं ठीक है अब हम इसके दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करेंगे ठीक है और इसके लिए हम देखते हैं इसकी टाइमलाइन सिर्फ उन दो इवेंट्स की ठीक है तो 1992 में जैसे ही UNFCCC आया था उसी वक्त ही आ गई थी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इसके अंदर फंड्स इकट्ठे करने थे ताकि UNFCCC का जो भी खर्चा होगा जो भी बजट होगा उसके लिए पैसे इकट्ठे कर जा सके डिफरेंट डिफरेंट जगह से वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मल्टीलेटरल एजेंसीज एज वेल एज फ्रॉम द नेशंस वर deposited in global environment facility और जिससे fund use होंगे कहाँ पे UNFCCC के अंदर जो उससे अगला event जो हुआ है जो कि बहुत important और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 1997 में जब conference of party 3 हुई third conference of party 3 तब हुआ Kyoto Protocol and it is one of the biggest और कहेंगे सबसे important है जो अब तक convention हुई है वो है Kyoto Protocol ठीक है ये 1997 में हुआ था ये आपको याद रखना है ठीक है अब देखते हैं कि Kyoto Protocol क्या था देखिए सबसे पहले एक इंटरनेशनल ट्रीटी था ये सबको पता है और ध्यान में रखने वाली बात है कि जो हमारे चार आउटकम्स हुए थे उसके अंदर जो UNFCCC था उसके अंदर Kyoto Protocol को नेगोशिएट किया गया था ठीक है ये लेकिन 1997 में हुआ जरूर था लेकिन इट केम इन टू फोर्स इन 2005 ठीक है ध्यान रखना इट वॉज नेगोशिएटेड इन 1997 बट इट वॉज अडोप्टेड इन 2005 ठीक है इसकी टोटल नंबर ऑफ पार्टीज कितनी है 192 पार्टीज हैं इसकी और इसमें जो कनाडा था उन्होंने विथड्रू कर लिया था इसकी वजह से पार्टीज रह गई थी 1992 नेक्स्ट इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ Kyoto Protocol ऑब्जेक्टिव ऑफ Kyoto Protocol बहुत ही सिंपल है ठीक है इसका ऑब्जेक्टिव है कि इफ बाय इंप्लीमेंटिंग द Kyoto Protocol द ऑब्जेक्टिव ऑफ द UNFCCC इज टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन ठीक है तो UNFCCC Kyoto Protocol के तहत जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ठीक है इनके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे उनको कंटेन करके क्लाइमेट चेंज को रोकना चाहते हैं या कह सकते तो रोकना चाहते हैं मतलब कंटेन करना चाहते हैं ठीक है और इसको इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द फर्स्ट कंक्रीट स्टेप ये पहला एक बहुत ही पुख्ता स्टेप लिया था वर्ल्ड ने किसके लिए
टू कंटेन द क्लाइमेट चेंज, टू फाइट क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब ये कैसे होगा, तो इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज को टारगेट्स दिए थे, ठीक है, कि आपको किस तरह से अपना ग्रीन हाउस एमिशन गैस का जो एमिशन है वो कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर एक और चीज जो इंपॉर्टेंट आई थी वो थी CBDR, ठीक है, उसे कहते हैं कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये क्या था, ठीक है, ये था कि इट पुट ऑब्लिगेशन, जो CBDR था, इट पुट ऑब्लिगेशन टू रिड्यूस करंट एमिशंस ऑन डेवलप्ड कंट्रीज। देखिए इन्होंने कंट्रीज को बांटा था NX1, NX2, NX3, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे NX1, NX2 और NX3 को, ठीक है। CBDR के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनके ऊपर एक बर्डन, या हम कहेंगे उनके ऊपर बर्डन नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई थी कि यू हैव टू टेक द लीड इन कंटेनिंग द ग्रीन हाउस गैसेज, बिकॉज इट वॉज यू, इट वॉज बिकॉज ऑफ योर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अवर अर्थ इज वार्मिंग अप, ओके, ठीक है। अब इसके अंदर जो कमिटमेंट दी गई थी, तो इसके कमिटमेंट पीरियड दिए गए थे, तो पहला कमिटमेंट पीरियड था, ठीक है, वो था 2008 से स्टार्ट हुआ था और 2012 के अंदर खत्म हो गया था, ठीक है। और 2008 के अंदर जो कंट्रीज थे डेवलप्ड कंट्रीज, उनको कहा गया था कि आपको अपने 1990 के लेवल से, फ्रॉम द लेवल ऑफ 1990 यू हैव टू कंटेन योर टेम्परेचर, ठीक है, बिलो 5% ऑफ द लेवल ऑफ 1990, मतलब कि अभी जो 1990 के अंदर आपके जो टेम्परेचर था, जो लेवल था ग्रीन हाउस गैसेज का, उससे आपको 5% नीचे लेके जाना है 2012 तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है कि CBDR क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर जो NX1, NX2, NX3 कंट्रीज थे वो कैसे बांटे गए थे, तो देखो NX1 कंट्रीज थे वो थे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एंड इकोनॉमिक्स इन ट्रांजिशन, जो इकोनॉमिक अभी ट्रांजिशन में, मतलब बड़ी बड़ी इकोनॉमिक्स थी और वो डेवलपिंग से डेवलप्ड हो रहे थे वो, और जो पहले ही इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थे वो, ठीक है, उनके ऊपर क्योटो प्रोटोकॉल को बाइंडिंग किया गया कि आपको तो ये करना ही पड़ेगा, आपको अपने एमिशंस रिड्यूस करने ही पड़ेंगे, जिसकी वजह से आज तक काफी कंट्रोवर्सी होती है एंड वी आर नॉट येट रीचिंग द नेगोशिएशन व्हिच इज नीडेड टू फाइट द क्लाइमेट चेंज, ओके। इसका एग्जांपल है बाल्टिक स्टेट्स और OECD कंट्रीज। अब याद रखने वाली बात है NX1 कंट्रीज के अंदर थे दो, थे एक तो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, दूसरा जो इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन थी, ठीक है। नेक्स्ट है NX2 कंट्रीज, ठीक है, ये सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज थे और इनको, इनके ऊपर था कि आपको पैसा देना है डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, टू फाइट द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके अंदर अगेन क्योटो प्रोटोकॉल इनके ऊपर बाइंडिंग था और एग्जांपल फिर से OECD कंट्रीज एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज। नेक्स्ट था नॉन एनेक्स कंट्रीज, देखिए तीन थे कंट्रीज, एक NX1, एक NX2 एंड नेक्स्ट था नॉन एनेक्स कंट्रीज। नॉन एनेक्स कंट्रीज थे मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज। ये क्या कहते थे, इसके अंदर आया ब्राजील, इंडिया, चाइना, कि अभी ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप नहीं हुए हैं, अभी इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुए हैं, एंड दे नीड देयर कार्बन स्पेस टू डेवलप देमसेल्फ, टू इंडस्ट्रियलाइज देमसेल्फ, सो दैट देयर इकोनॉमी कैन प्रोस्परस। तो इनके ऊपर अभी टारगेट क्योटो प्रोटोकॉल ने बाइंडिंग नहीं लगाए थे, बल्कि NX2 कंट्रीज के ऊपर ये ऑब्लिगेशन लगाई थी एक तरह से कि आपको इन जो नॉन डेवलपिंग कंट्रीज है इनके ऊपर आपको इनको पैसा देना है, ठीक है, ताकि ये क्लाइमेट चेंज को फाइट कर सके, ठीक है। अगेन इसका एग्जांपल है इंडिया, ब्राजील, चाइना एटसेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना कि कमिटमेंट पीरियड हम एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला कमिटमेंट पीरियड था उसको था 2008 से 2012, जैसे कि आपको मैंने बताया, ठीक है, और इसके अंदर 6 ग्रीन हाउस गैसेस को रोकना था, 6 ग्रीन हाउस गैसेस को रोकना था, ठीक है। और वो 6 ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी थी, पहली थी कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी थी मिथेन, तीसरी थी N2O नाइट्रस ऑक्साइड, फोर्थ थी HFC हेक्साफ्लोरोकार्बन, पांचवी थी PFC एंड छठी थी SF6, ठीक है। लेकिन जब नेक्स्ट कमिटमेंट पीरियड आया 2012 के बाद, सेकंड कमिटमेंट पीरियड आया 2013 से 2020, तो एक नई ग्रीन हाउस गैस को ऐड कर दिया गया इस लिस्ट के अंदर, और वो थी नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। ये ग्रीन हाउस गैस को ऐड कर दिया गया किसके अंदर, लिस्ट के अंदर, जो कि पहले 6 की लिस्ट थी अब 7 होगी। तो देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस को शामिल किया गया है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट दैट ए न्यू गैस हैज बीन एडेड, ठीक है, और वो गैस है नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, ओके। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अदर इंपॉर्टेंट COPs हुई हैं जो UNFCCC की, ठीक है, एंड वी गोना डिस्कस ए वेरी इंपॉर्टेंट पेरिस क्लाइमेट चेंज, ओके, थैंक यू।